स्कूल, ये एक ऐसा वर्ड है जिसे हम बचपन में सुनकर डरा करते थे, लेकिन जब आज इसी वर्ड को हम सुनते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सभी ने वहां पर अपने अपने मोमेंट्स क्रिएट किए होते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में वही मोमेंट्स। स्कूल, जी हाँ, जहां पर हम सब पहली बार गए थे अपने घर वालों को छोड़ के, दोस्ती करना जहां पर सीखा था, कुछ नया सा रिश्ता जोड़ के, जहां पर सभी रोते हुए आए थे और रोता था हमारा आखिरी दिन, क्योंकि आज भी याद आते हैं वो खट्टे मीठे स्कूल के दिन, जब सुबह देर से उठते तो वेन घर के सामने खड़ी होती थी और बार बार हॉर्न बजाती, फिर पापा हमें डांटते, स्कूल के टीचर्स के हम नए नए नाम बनाते, हर रोज मॉर्निंग में टीचर को गुड मॉर्निंग टीचर का एक लंबा सा गीत गाकर सुनाते, टीचर जब भी पीछे मुड़ते तो हम छिपके से टिफिन खाते थे, दोस्तों और जूनियर्स का टिफिन उनसे पहले हम ही खत्म कर जाते थे, वो ब्लैकलिस्ट का टैग लगा के हम बैक बेंचर्स कहलाते थे, पेन फाइट से लेकर कितने ही गेम्स हम पीछे बैठकर खेला करते थे, कभी चौक डस्टर वाला क्रिकेट तो कभी बुक क्रिकेट खेलना, फिर चौक के छोटे छोटे टुकड़े करके एक दूसरे पर फेंकना, वो पेंसिल से पेन में कन्वर्ट होने वाली फीलिंग, वो हाउस सिलेक्शन तो हमारी क्रिकेट टीम की पहली इनिंग, वो कैंटीन के समोसे तो बंकिंग पॉइंट की बातें, हम सबका फिर साथ मिलके वो संडे की मुलाकातें, वो वॉशरूम में सबका साथ जाना और आधा लेक्चर वहीं बिताना, वो छोटी सी लड़ाइयों पर स्कूल के बाहर मिल ये कहकर एक दूसरे को हड़काना, वो बचपन का याद, स्कूल वाला प्यार, उससे मिलने के लिए रहना हरदम तैयार, वो लाइफ का पहला क्रश, हर वक्त बस उसे देखने का रस, कभी टीचर कभी सीनियर तो कभी क्लास वाली थी बस, वो दिवाली पर पटाखों से हम कितना बवाल मचाते थे, कभी क्लासरूम में फोड़ते तो कभी टीचर को चौंकाते थे, वो स्कूल के प्रोजेक्ट्स तो कंप्यूटर लैब की बातें, कोई एक पानी पीने को जाता तो उसको अपनी बोतल भी पकड़ाते, वो कॉपी का कवर तो स्टाफ रूम में जाने का डर, कुछ होते थे अच्छे वाले सर तो कुछ खड़ूस टीचर, दोस्तों के साथ हर दिन स्कूल आना जाना, कभी कभी घर देर से पहुंचने पर माँ की डांट खाना, एग्जाम हॉल में दोस्तों के सहारे जाना, कभी आगे वाले से पूछना तो कभी पीछे वाले को दिखाना, वो अपनी कोड लैंग्वेज बना के एक दूसरे को इशारों में आंसर बताना, जब आगे वाले धोखा देता था और पीछे वाला मेरे भरोसे होता था तब फर्रे ही तो काम आते थे, देर रात तक जगकर जख्म बनाते थे, जब एनुअल फंक्शन आता था पूरा स्कूल जैसे जगमगा उठता था, हम सब भी सज सज कर जाते थे और कितना मजा उड़ाते थे, वो उससे बात करने के लिए दोस्त को चढ़ाना, तू जा बात कर उससे, मैं हूँ यहाँ, यह कहकर उसकी हिम्मत बढ़ाना और दूसरे ही पल वहाँ से भाग जाना, बर्थडे पर सबको एक एक और अपने बेस्ट फ्रेंड को दो चॉकलेट्स देना, वो कागज़ के जहाज, वो लाइब्रेरी की मुलाकातें और कभी ग्रुप फोटो में दोस्त को गुदगुदा के हंसाते, वो 15 अगस्त के लड्डू तो लेक्चर के बीच में की हुई बातें, वो होली को होली के पहले खेल के आना, वो दोस्तों के वादे तो फ्रेंडशिप डे पर आइसक्रीम पॉइंट वाला ठिकाना, छुट्टी पे जब घर को लौटते तो स्कूल बस की दुनिया पाते और टीचर के उतरते ही कितना धमाल मचाते, दिन महीने साल ये सब कब बीत गए समझ ही नहीं आया, हमारे फेयरवेल ने आके हम सबको स्कूल की नींद से जगाया, और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं फेयरवेल पार्टी में सभी बन ठन कर आए हैं, लड़के नए नए हेयर कट्स तो बालों में जेल लगा कर आए हैं, और बात करें लड़कियों की तो वो अपने बालों को स्ट्रेट करके नई नई ड्रेस पहन कर आई हैं, बस अब यही है कहना कि तुम अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराते रहना और मिलते रहेंगे यारो, हमें भूल न जाना, हो सकता है तुम्हें आज ये सब बातें इतनी खास न लगे, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में इन सभी यादों का बस इतना सा असर होगा कि कभी कभी तुम सब बिना बात मुस्कुराओगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर कैरियर, मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, थैंक यू।
फसाना। Thank you.